हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज हमें यहाँ पर जो है वो अगेन निफ्टी के अंदर यहाँ पर 0.8% के अराउंड की गिरावट, और उसी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी आज हमें यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा करेक्शन एंड गिरावट जो है वो एज इट इज़ कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल मार्केट में जो करेक्शन टॉप लेवल से स्टार्ट हुआ है, निफ्टी जो 26,250 पे था, आज वही इंडेक्स हमें 25,000 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स टॉप लेवल से 1,250 पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो अपना निफ्टी का इंडेक्स डाउन है। तो ये गिरावट और कहाँ तक आने वाले टाइम में चल सकती है, उसी के साथ साथ हम बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अब सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे जाके इंडेक्स रुक सकते हैं, और यहाँ पर अगर मान लो फर्दर गिरावट आई तो वो कहाँ तक की पॉसिबल होगी एंड रिकवरी भी कहाँ से पॉसिबल है। तो सब कुछ डिस्कस करें आगे बढ़े उसके पहले स्टील, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना एंड बेल आइकन को भी हिट यहाँ पर ज़रूर करना। अब देखो दोस्तों, कल भी हमने यहाँ पर जो है वो निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे। कल मार्केट जो है वो 25,200 के ऊपर क्लोज हुआ था, बट आज 25,200 का भी सपोर्ट यहाँ पर जो है वो निफ्टी ब्रेक कर चुका है। अब टेक्निकली देखने जाए तो राउंड नंबर कहाँ पे है, राउंड नंबर है 25,000 एंड निफ्टी एग्जैक्टली अभी 25,000 पर खड़ा है। और एक चीज़ कि 25,000 क्या है, सपोर्ट भी है एज वेल एज राउंड नंबर भी है। यहाँ पर भी देखो, अगर आप तो 25,000 के अराउंड से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, यहाँ से 25,000 के अराउंड से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन लिया था। तो ये 25,000 का जो लेवल है वो यहाँ पर निफ्टी के रिवर्सल को सपोर्ट कर सकता है। आज भी मार्केट 25,000 के नीचे गया था, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग तो 25,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर अपकमिंग डेज के लिए, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक के लिए, जो निफ्टी का सपोर्ट होगा वो होगा 25,000। अगर उसके नीचे निकला तो 24,750, एंड अगर उसके भी नीचे निकल गया तो 24,500 से लेकर 24,000 तक की भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर 0.6 नहीं बट इवन मोर देन 0.7% के अराउंड की गिरावट यहाँ पर जो है वो आज हमने विटनेस की है। अब कल जब हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को डिस्कस किया था, इंडेक्स अपना 51,600 के अराउंड क्लोज हुआ था। हमने कल आपको मेंशन भी करके बताया था कि 51,600 का जो लेवल है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का वर्क कर सकता है, बट आज यहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो हमें फाइनली ब्रेक भी होता हुआ देखने को मिल गया। तो अब टेक्निकली अगर हम देखने जाए तो राउंड नंबर अब कहाँ पर आ रहा है, तो सीधा 450 पॉइंट नीचे, दैट मीन्स 51,000 पे यहाँ पर अब बैंक निफ्टी का राउंड नंबर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर भी देखने को मिला था इसी सेम लेवल से। एक दिन गिरावट हुई और इमिडिएटली दूसरे दिन जो है वो मार्केट रिकवर भी हो गया। तो 51,000 के राउंड से आइदर रिवर्सल आया तो ठीक है, वरना अगर 51,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो पोजिशनली बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर सेलिंग हमें 50,000 तक की भी यहाँ पर जो है वो ईजिली देखने को मिलेगी।